नमस्कार दोस्तों, मैं आप सब लोग के सामने गिरजेश कुमार तिवारी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम सब लोग रिजल्टेंट ऑफ फोर्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हम सब लोग कोप्लेनर फोर्स सिस्टम की ही एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि आपका नॉन कोप्लेनर थ्री डायमेंशनल सिस्टम में आप सब लोग का क्वेश्चंस नहीं आने वाला है, तो इसलिए हम सब लोग कोप्लेनर रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम की एनालिसिस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने दो केसेस देखा कि जब आपके कॉन्कुरेंट कोप्लेनर फोर्सेस हो तो कैसे निकाला जाता है रिजल्टेंट। एफएक्स निकाल लेंगे, सिग्मा एफवाई निकाल लेंगे, और उसके बाद रिजल्टेंट इन दोनों के स्क्वायर का योग का अंडर रूट होगा, ठीक है। और फिर आपने डायरेक्शन भी निकालना सीखा, अब उसका रिजल्टेंट भी उसी पॉइंट से होकर जाएगा, तो इसमें लाइन ऑफ एक्शन को क्लियर करने के लिए कोई और जरूरत नहीं थी। लेकिन जब आपका पैरेलल फोर्स सिस्टम था तो पैरेलल फोर्स सिस्टम में क्या था कि कुछ साथ एक ही डायरेक्शन में होंगे, कुछ अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो कुछ को जोड़ देंगे, कुछ को घटा देंगे एक प्रॉपर साइन कन्वेंशन लेते हुए, और उसके बाद रिजल्टेंट का मान तो पता चलेगा पर उसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ होगा उसके लिए आपको वेरिग्नान थ्योरम को यूज करते हुए लाइन ऑफ एक्शन निकालना आ गया होगा कि हमारा रिजल्टेंट कहाँ होगा और किस लाइन ऑफ एक्शन पर होगा। रिजल्टेंट मतलब क्या हुआ कि उस पूरे फोर्स सिस्टम को उस सिंगल फोर्स से उस जगह पर रिप्लेस कर दें तो इफेक्ट सेम रहेगा, बात समझ में। अब एक जनरल बातें क्या होती है कि वो पैरेलल के लिए भी एप्लीकेबल है और आपके कॉन्कुरेंट के लिए भी एप्लीकेबल है, पर क्या करते हैं अगर दो ही फोर्स है तो हम, ठीक है, आपके ये सारे फार्मूले दो फोर्स सिस्टम के लिए भी रिजल्टेंट निकालने के लिए वैलिड है, पर है अगर दो फोर्स सिस्टम है तो हम सब लोग क्या करेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा देंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से हम सब लोग यूज कर लेंगे, बात समझे, तो उससे निकाल लेंगे। लेकिन अगर हम चाहें तो दो फोर्स सिस्टम को कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम मानते हुए भी एनालिसिस करें तो वही इफेक्ट हमें मिलेगा, रिजल्टेंट वही मिलेगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आप सब लोग के लिए, और इसको बहुत डिटेल में सीखे, एक जनरलाइज्ड फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट निकालना है ये केस आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, और यह आप सब लोग के लिए आने वाले समय में बीम्स में रिएक्शन निकालने के लिए बहुत यूजफुल होगा, या किसी रॉड को कहीं पर लटका दिया गया तो उसमें क्या रिएक्शंस आएंगे, कई कंडीशंस होंगी, आप उसमें फ्रिक्शन एनालिसिस में भी देखेंगे, तो रिजल्टेंट निकालना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद हम सब लोग इक्विलिब्रियम कंडीशंस पर जाएंगे, और इक्विलिब्रियम का फोर्सेस का इक्विलिब्रियम का एक अलग ही चैप्टर होगा, किसी भी सिस्टम के इक्विलिब्रियम होने की कंडीशंस क्या होगी, कोप्लेनर सिस्टम है तो क्या होगी, अगर थ्री डायमेंशनल सिस्टम है तो क्या होगी, मूवमेंट के बारे में आप सब लोग डिटेल में पढ़ चुके होंगे, कपल भी हमने एक अलग टॉपिक बनाया था उसको भी आपने पढ़ा होगा। हाँ, कई लोगों की डाउट है सर आप उसमें नंबरिंग डाल दिया करिए लेक्चर में, देखिए लेक्चर में नंबरिंग डाल पाना संभव नहीं है क्योंकि कब कौन सा लेक्चर आपके सामने आएगा ये हमें भी पहले से पता नहीं होता, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी हैं, तो नंबरिंग डाल पाना संभव नहीं है। हाँ, ये है कि आपका टॉपिक जरूर लिखा रहेगा तो आप टॉपिक वाइज वीडियोज को देख सकते हैं, एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दी गई है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, अलग प्लेलिस्ट है जिसमें सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ही लेक्चर आपको मिलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का अलग है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जिसको बोल सकते हैं तो वो एक अलग बना हुआ है, थ्योरी ऑफ मशीन का एक अलग प्लेलिस्ट है, और कुछ नोटिफिकेशंस थे EPRBNL के तो उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट है। आने वाले सब्जेक्ट्स और बढ़ेंगे और भी आपका मशीन डिजाइन बढ़ेगा, आपका थ्योरी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बढ़ेगा, और इसी में फ्लूइड मशीनरी, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक सब कुछ आपका बढ़ेगा, तो अलग अलग प्लेलिस्ट बनते जाएंगे, आप अपने सिलेक्टिव सब्जेक्ट के सिलेक्टिव टॉपिक को ध्यान में रखते हुए देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा दिया, लामी थ्योरम पढ़ा दिया आपको, फोर्स सिस्टम पढ़ा दिया, और उसके सबके पैरेलल में न्यूमेरिकल भी होते रहे हैं, ध्यान रखिएगा लामी थ्योरम का एक केवल न्यूमेरिकल सीरीज हम लेके आए थे पार्ट टू, उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल सीरीज थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो आप उसको बहुत ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिएगा, लामी सीरीज के क्वेश्चंस का सेकेंड पार्ट टू देखिएगा, सिर्फ क्वेश्चन है लेकिन सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस कई लोगों ने उसी क्वेश्चन को रिपीट हमसे पूछा, मतलब आप सब लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो अभी आप नहीं समझ पाएंगे, उसी क्वेश्चन को बार बार पूछना जो कि हम करा चुके हैं, इसका मतलब आप वीडियो ध्यान से नहीं देख रहे, तो आप सब लोग वीडियो ध्यान से देखें और उसको लोगों में शेयर भी करें। इस पर हम बहुत फोकस इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपकी तैयारी बहुत नजदीक, एग्जाम बहुत पास है, तो आपसे हम उतना काम नहीं लेना चाहते कि आप शेयर करें और भी लोगों में फैलाएं, ये करें, आप बस क्या करें, वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे,
और कुछ ग्रुप सबके बने रहते हैं, कॉमन से ग्रुप रहते हैं छोटे छोटे, व्हाट्सएप पे ग्रुप है उसमें शेयर कर दिए, कोई लोग फेसबुक चलाते हैं उस पर शेयर कर दिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं, उतना ही करें, 10-5 मिनट ही दें, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल एक बात हुई थी कि पैरेलल फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट निकालना, तो अब अगला आपका एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए इसको हम स्किप नहीं कर सकते थे, इसको हम कराएंगे और देखते हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्स शोन इन द फिगर। तो पैरेलल फोर्सेस दिखाए गए हैं, फिगर में दिखाए गए हैं, इनका रिजल्टेंट आपको निकालना। अब देखिए, जब आपसे रिजल्टेंट बोले तो सिर्फ मान निकाल के मुक्ति नहीं मिलती, आप उसका मान निकालें, डायरेक्शन निकालें, और उसके साथ साथ आप उसकी लाइन ऑफ एक्शन को भी बताएं कि कहां से होकर जाएगा। ठीक है, तो डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्स सिस्टम इन द फिगर एंड लोकेट विद रिस्पेक्ट टू ओ, मतलब सारी बातें हमें क्या करना है, ओ के रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट की पोजीशन बताना है। रेडियस इज, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रेडियस इज 1 मीटर। ठीक है भाई, तो अब क्वेश्चन को, अभी तो हमने फिगर देखा नहीं, अब फिगर देखते हैं। ये कोई एक सर्कुलर, मतलब कोई बॉडी है, हमें मान लिए कोई एक बॉडी है, इस पर बल लग रहा है 100 का, इधर बल लग रहा है जो इससे 60 डिग्री पर, ठीक है, ये इससे 30 डिग्री पर है, 80 लग रहा है, ये इधर 150 है, 30 डिग्री पर ये भी है, 45 डिग्री पर ये, क्या सारे बल एक दूसरे के पैरेलल हैं? हाँ बिल्कुल, ये इसके पैरेलल, सब कोई हॉरिजॉन्टली है, पर हाँ हो सकता है कि कोई इधर हो और कोई उधर हो, बात समझ में। अब हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को तो पॉजिटिव मानेंगे ही, इधर ही जनरली हम पॉजिटिव मानते हैं। अब अगर आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो रिजल्टेंट उधर होगा, और अगर नेगेटिव आएगा तो रिजल्टेंट उधर नहीं होगा। तो अब ध्यान से अब देखते हैं, ठीक है, कुल मिला के अगर हम रिजल्टेंट, पहला स्टेप होता है रिजल्टेंट फोर्सेस का मान निकालना, तभी आप बैरिग्नान बाद में लगाएंगे। तो -100, चलो तुमसे मिले और तुम्हारी बात खत्म, -50, क्यों -50 भाई, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तुम्हारी बात खत्म, हर एक से मिलना जरूर, कोई छूटना नहीं चाहिए, 150 प्लस 150 क्यों प्लस, क्योंकि आप उधर की तरफ हैं, और अब केवल 80, यहां से -80, सारे न्यूटन में थे तो आंसर भी किस में आएगा, न्यूटन में। तो आपने क्या किया, -100 -50 150 और 80, तो रिजल्टेंट फोर्स का मान आप यहां देखेंगे, ये ऊपर के तीनों कट गए बराबर होके, और ये आएगा -80 न्यूटन। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा रिजल्टेंट है -80 उधर, कहने के वजह हम ऐसे कह सकते हैं कि रिजल्टेंट इक्वल टू 80 न्यूटन किधर की तरफ, रिजल्टेंट इक्वल टू 80 न्यूटन इधर की तरफ, उधर की तरफ नहीं, उधर रहते तो माइनस बोल दे रहे, बात दोनों एक ही है, माइनस भी हटाओ डायरेक्शन पलटी मान लो फिर वही बात आ जाएगी। ठीक है, तो 80 न्यूटन, इन सबका रिजल्टेंट का मान 80 न्यूटन होगा और इधर की तरफ होगा। ठीक है भाई, सब लोग समझ गए होंगे। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि सर कहाँ पर, इसको हम लोग फिर से, अब ये पूरा 80 है, आप देख भी चुके होंगे, इसके हम लाइन ऑफ एक्शन को ऐसे दिखा दिए, ये क्या हुआ 100 उधर, 80 इधर, 150 इधर, और ये तो सबको आप जोड़ेंगे, सबका रिजल्टेंट आपका जो आएगा वो 80 आएगा, ऐसे 80 न्यूटन, ये आप निकाल चुके हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ओ के सापेक्ष इसका लोकेशन बताना, ओ के सापेक्ष, तो हम ओ के सापेक्ष नेट मोमेंट निकालेंगे। ओ के सापेक्ष नेट मोमेंट क्या होगा, तो 100 वाला, अब देखिए इसमें भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एक जब भी ये सब चीजें लिखें तो एक रेफरेंस लिखें और उस रेफरेंस को दिखाएं, जैसे हमने लिख दिया एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो ये 100, अब देखिए 100 ओ से इसका लाइन ऑफ एक्शन कितना दूर होगा, तो लाइन ऑफ एक्शन इतना दूर होगा। अब ये दूरी क्या होगी, वन कॉस ये होगा, लेकिन क्या होगा, 1 साइन, तो 100 इंटू रेडियस 1 ही है, 1 साइन 60 किधर घुमाएगा, ओ के सापेक्ष, ये ओ के सापेक्ष किधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, किधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो सही है पॉजिटिव। अब बताइए -50, 50 के बारे में माइनस क्यों लिख दिया, सर ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो 50 इंटू ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये 1 है, तो ये क्या होगा, 1 साइन 45, ये क्या होगा, 1 साइन 45, तो 1 साइन 45,
अभी सिर्फ दो बल के पास गए हैं, 100 ओके 50 ओके, ठीक है। ऐसे अगर पूछे 80 वाले से क्या हाल है, तो 80 वाले कहेगा कि प्लस, क्योंकि भाई हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, हम किधर घुमाएंगे, एंटी क्लॉक। तो 81 और इसके बाद ये क्या कॉस की साइन, साइन 30, 1 sin 30। चलो इनसे भी बात बन चुकी। अब ये 50 वाला भी देखें, 50 वाला भी देखें, तो ये आपका ऐसे ही घुमा जाएगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तो प्लस 150, सॉरी ये 150 वाला देखें तो ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा 1 sin 30, ये भी आएगा। तो ये चारों आपके पास आ गए। हंड्रेड इंटू 1 sin 60 और फिर माइनस 50 इंटू 45। माइनस ये क्यों हुआ, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। और 80 इंटू 1 sin 30, 80 इंटू 1 sin 30 और 150 इंटू 1 sin 30, 1 sin 30 ये डिस्टेंस है, ये बात समझ में आ रही है। तो ये मान आप निकालेंगे और ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें पॉजिटिव हैं, एक केवल निगेटिव है, तो लगभग पॉजिटिव मान आएगा। अब जो भी मान आएगा गुणा भाग आप कर लेंगे ना, 100 sin 60, साइन 60 का मान √3/2, तो 50√3 होगा और ये 50 अपान √2 होगा और ये क्या होगा, 40 होगा। चलिए इसको देख ही लेते हैं। अब आप यहां देखेंगे तो ये आएगा 100√3/2 इंटू साइन 60 का मान √3/2 माइनस 50√2 साइन 45 और ये आएगा प्लस 40 साइन 30 का मान होता है आधा और ये आएगा प्लस 75। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका न्यूटन मीटर होगा, ये आपका क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा। रिजल्टेंट 80 होगा और ओ के अबाउट इन सारे बलों का नेट मोमेंट, ओ के अबाउट इन सारे बलों का नेट मोमेंट क्या आएगा, इतना आएगा, किधर आएगा, किधर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्यान दीजिए लोकेशन, इसको आप समझ चुके होंगे, नोट भी कर लीजिए हर एक। अब यहाँ खड़े रहिए और बल के पास जाइए, जब भी मूवमेंट की बात करे तो जिस पॉइंट के अबाउट करे वहाँ खड़े हो जाइए और हर एक बल के पास जाइए कि सर आपका मान चाहिए और आपसे हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपके लाइन ऑफ एक्शन का, और फिर हम जान लेंगे कि आप किधर घुमाना चाहते हैं। रेफरेंस मान के चलते कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, बात समझ में आ रही है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई, इसका मान आप निकाल लेंगे कैलकुलेटर से। थोड़ा आप सब लोग भी ईमानदारी से मेहनत करें थोड़ा। अब आपका ध्यान दीजिए, ये आपका पूरा बॉडी है और ये पॉइंट ओ है। मोमेंट जो आया है, कुछ आया है, कितना आया है, एंटी क्लॉकवाइज आया है। जो भी माना है किधर आया, एंटी क्लॉकवाइज। और जो रिजल्टेंट फोर्स आया है वो 80 न्यूटन आया है और ऐसे बाएं साइड आया हो। अब बताइए ओ यहाँ है, ये इसके ऊपर होगा कि इसके नीचे होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप इसके ऊपर मानते हैं, ऐसे 80 आप ऊपर मानते हैं और कितनी दूरी मानते हैं, डी दूरी पर मानते हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, जो कि सही है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ही मोमेंट आना चाहिए। गलती से आप इधर मान लिए तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट देगा जो कि आपके आए हुए मोमेंट के अपोजिट होगा, तो इधर नहीं होगा। तो आप ये डी का मान बता लेंगे, क्या बताएंगे, 80 इंटू डी रिजल्टेंट का उस बिंदु के सापेक्ष मोमेंट, अलग अलग जो फोर्सेस है उनके मोमेंट के, उस सिस्टम ऑफ फोर्सेस के उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट के बराबर होता है। यही बेरेग्नान थ्योरम है। एम आप निकाल चुके हैं तो डी का मान आएगा। अब डी से, डी तो नीचे भी हो सकता था ऊपर भी हो सकता, लेकिन आप आसानी से बताएंगे सर ऊपर की तरफ ही होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमें चाहिए। तो मतलब आपने समांतर बलों का परिणामी भी निकाल लिया, मान बता दिया, किसी एक पॉइंट से दूरी बता दिया कि लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से होकर जाए, बात समझ में आ रही है ना। तो अब अगला केस हम लोग करते हैं, थर्ड केस था रिजल्टेंट ऑफ जनरल फोर्स सिस्टम, और जनरल फोर्स के बजाय यहां पर जनरल कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, जनरल कोई एक जनरल कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, कोई एक बॉडी है
और इस पर यहां बल लग रहा है, यहां बल लग रहा है, यहां बल लग रहा है, यहां ऐसे ढेर सारे बल लग रहे हैं और कॉन्कुरेंट नहीं है। कॉन्कुरेंट के लिए पहला केस कर चुके हैं, पैरेलल नहीं है, पैरेलल के लिए हम लोग पहला केस मतलब दूसरा केस कर चुके हैं, उसका एक अभी क्वेश्चन भी किए। तो अब ये एक जनरल लग रहा है, तो जब भी आपको देखिए आपको मान भी बताना है और उसकी लोकेशन भी बतानी है, तो वही लोकेशन बताने के लिए एक रेफरेंस तो लेना पड़ेगा। जैसे अभी हमने पिछले केस में क्या बताया कि ओ से यहाँ पर इतनी दूरी पर ऊपर, तो ऐसे एक रेफरेंस। तो इसमें तुरंत हम क्या मानेंगे, पहला एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये कहीं पर एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान ली। कुछ लोग तिरछा मानना चाहे, कभी कभी केसेस तिरछा मानना आसान कर देता है, तो तिरछा मानिए बसरते एक्स वाई पॉस्ट मतलब क्या होना चाहिए 90 डिग्री पर होने चाहिए, तो ऐसे भी मान सकते हैं, ये आपका विषय है। लेकिन हाँ इस सिचुएशन में आपने ऐसे मान रखा है, बात समझ में आ रही। तो अब हम इस सिचुएशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कोई सिस्टम दिया गया, कोई भी आपको फोर सिस्टम दिया गया, ये तो पहला स्टेप एक्स वाई मानेंगे और हर एक बलों का दूसरा स्टेप फर्स्ट स्टेप एक्स वाई मानेंगे। फर्स्ट स्टेप हो चुका, लोकेट द कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकेंड क्या है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ईच फोर्सेस फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ, तो आपको समझ क्या करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हर एक बलों का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना, हर एक बलों का झुकाव निकालना है। अगर कोई आपके माने हुए एक्स एक्सिस के समांतर है तो उसका झुकाव जीरो होगा, अगर परपेंडिकुलर है तो 90 होगा, और जो भी एंगल झुका हो आप उसको रख लीजिए, किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ये जब आप एंगल देख लेंगे, ये जनरली आप देखते ही या ज्योमेट्री से बता देंगे, इसके बाद आप सिग्मा एफ एक्स निकालें। के बाद आपका ये थर्ड स्टेप होता है क्या, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स क्या होगा, एफ वन कॉस थीटा वन प्लस एफ टू कॉस थीटा टू प्लस एफ थ्री कॉस थीटा थ्री, ऐसे ढेर सारे ऐसे। चौथा स्टेप आप क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ वाई, और सिग्मा एफ वाई क्या होगा, एफ वन साइन थीटा वन। अब ये थीटा वन क्या है, थीटा वन आपने दूसरे स्टेप में निकाला था, क्या निकाला था, प्लस एक्स एक्सिस से सबका झुकाव फोर। पूरी बात समझ में। तो अब आप पहले क्या करेंगे, फाइंड, अब ये डायरेक्ट बोला था ये दोनों स्टेप्स को नहीं, फाइंड सिग्मा एफ एक्स। इसका क्या मतलब हुआ, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस, सारे बलों को रिजॉल्व करिए अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के अलोंग सबको रिजॉल्व करिए। टेक द एल्जेब्रिक सम, हर एक बलू का आप रिजॉल्व करने के बाद एल्जेब्रिक सम लीजिए। एल्जेब्रिक सम मतलब पॉजिटिव एक्स की तरफ पॉजिटिव और माइनस एक्स की तरफ नेगेटिव। तो इसमें आपको सेट नहीं करना होता, जब आप एंगल निकाल लेते हैं तो ऑटोमेटिक वो सेट कर लेता है कब कॉस पॉजिटिव होगा कब कॉस निगेटिव होगा, बात समझ में आ रही। तो सम ऑफ फोर्सेस कंपोनेंट कंसिडरिंग प्रॉपर साइन कन्वेंशन, और ये साइन कन्वेंशन जनरल यूज किया जाता है कि हम राइट साइड को क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। दूसरा स्टेप क्या था आपका, दूसरा स्टेप आपका था सिग्मा एफ वाई को प्राप्त करना, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, अलोंग द वर्टिकल एक्सिस जो आपने एक्स वाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाई मान रखा है, एक्स हॉरिजॉन्टल। टेक द एल्जेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस कंपोनेंट, सारे फोर्स कंपोनेंट का एल्जेब्रिक सम लीजिए कंसीडरिंग प्रॉपर साइन। प्रॉपर साइन मतलब यहां पर जनरल यूज है ये कि हम अपवर्ड को पॉजिटिव मान। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो अंडर वही सिंपल ये स्टेप तो आप पहले में भी किए थे, लेकिन ये जनरल नहीं था, वो कॉन्कुरेंट था, कॉन्कुरेंट में आपको पोजीशन बताने की जरूरत ही नहीं, उसी पॉइंट से होकर जाएगा, हो गया था। तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये तो हो गया। अब यहाँ से अगर थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएं तो सर सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई आपको बहुत कुछ बताएगा,
अगर आप खुद से करिएगा कि अगर सिग्मा एफ एक्स भी पॉजिटिव आए और सिग्मा एफ वाई भी पॉजिटिव आए, अगर ये दोनों पॉजिटिव आए तो जो आपका रिजल्टेंट होगा वो कहीं ऐसे झुका होगा, इसका एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा और वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जब भी आपका ऐसा सिचुएशन आए तो आप खुद जज करके कह सकते हैं सर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों पॉजिटिव होने का मतलब ही है कि ये ऐसे झुका। इसका दूसरा केस अगर आपसे कहें कि सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू निगेटिव सॉरी पॉजिटिव मान लो और सिग्मा एफ वाई आपका क्या हो गया निगेटिव, कुछ वैल्यू निकालें कुछ भी आ सकता है, तो आप तुरंत बताएंगे सर इसमें आपका कुछ ऐसे सिचुएशन हो, रिजल्टेंट आपका कुछ ऐसे जा रहा हो, ये तो बता सकते हैं ना। कहाँ से किस पॉइंट से जाएगा वो विषय अभी आगे बढ़ते हैं, पर ये तो कंफर्म हो गया सर ऐसे तिरछा जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव और वाई कंपोनेंट निगेटिव। जब आपका एक्स और वाई कंपोनेंट वैल्यू आए तो रिजल्टेंट तो आप स्क्वायर करके योग करके वर्गमूल निकाल के बता ही देंगे, आप ये भी बता देंगे कैसे जा रहा हो। कोई ऐसे आपसे बोल दे कि बताइए रिजल्टेंट हमारा ऐसे जा रहा है इधर की तरफ, अब रिजल्टेंट अगर ऐसे जा रहा तो श्योर है कि एक्स कंपोनेंट आपका अगर ऐसे जा रहा है तो एक्स कंपोनेंट आपका नेगेटिव होगा और वाई कंपोनेंट क्या होगा पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही है ना, समझ में आ गया। तो अब इससे आया कि सर लोकेशन कैसे, तो अब उस अगला स्टेप आपका होगा फिर वही वेरिग्नान की बात आएगी। तो आपने वैल्यू तो बता दिया, तो वेरिग्नान कहते हैं कि किसी एक, अब ओ के अबाउट ही लीजिए, आप ओरिजिन के अबाउट ही लीजिए क्योंकि एक्स वाई आप माने तो ओरिजिन आपके हाथ में है, तो आप एम ओ निकाल लेंगे। ओ के अबाउट हर एक बलू का रिजल्टेंट मोमेंट आप निकाल लेंगे, एक सिस्टम ऑफ फोर्स जो दिया गया था उससे आप हर एक बलों का क्या करेंगे रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे, रिजल्टेंट मोमेंट आप क्या करेंगे निकाल लेंगे। अब आपका ये रिजल्टेंट मोमेंट आपको निकालना होगा और रिजल्टेंट मोमेंट जो होगा वो आपके ये मान लीजिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस परपेंडिकुलर ओ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है डी है, तो ये क्या होगा R इंटू डी के गुणनफल के बराबर। क्या रिजल्टेंट मालूम, हाँ बिल्कुल मालूम है, तो ये जो बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फोर्स का R इंटू डी के गुणनफल के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है, तो आप रिजल्टेंट पहले निकाले ओके हो गया, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई से एम ओ के अबाउट मोमेंट निकाले ओके हो गया। अब इससे आप श्योरली कह सकते हैं कि अगर ये रिजल्टेंट जा रहा है और ये डिस्टेंस d है, अगर ये रिजल्टेंट जा रहा है और डिस्टेंस d है तो ये जो mo होगा वो r इंटू डी के बराबर होगा और r मालूम है तो आप d का मान आसानी से बता लेंगे। कोई लोग कह रहे नहीं 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 सर, अगर ये इसका y कंपोनेंट हम देखें, ये आपका आर वाई सिग्मा एफ एक्स एफ वाई है और ये आपका क्या है सिग्मा एफ एक्स है, पूरी बात समझ में आ रही। तो अगर हम आपसे कहें कि ये बताइए ये डिस्टेंस बताइए कि ये एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, तो ये एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, अगर हम ये जानना चाहें ये डिस्टेंस कि ये एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, तो हम क्या इसी मोमेंट को देखें, ये सिग्मा एफ एक्स तो इसके बाद कुछ डेवलप नहीं करेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं सिग्मा एफ वाई इंटू एक्स, ये मान लीजिए डिस्टेंस एक्स है, वही चीजें होंगी। तो आप यहां से ये मान बराबर करेंगे तो यहां से एक्स का मान क्या आएगा, एक्स का मान आएगा एम ओ मूवमेंट अबाउट ओ अपॉन सिग्मा एफ वाई, मतलब आप बता सकते हैं कि आपका रिजल्टेंट एक्स एक्सिस को कहां पर कट करेगा। किसी ने कहा नहीं रिजल्टेंट वाई एक्सिस को कहां पर कट करेगा, ये मान लीजिए वाई, तो वाई एक्सिस को कहां पर कट करेगा, तो ये बताइए ये सिग्मा एफ एक्स है और ये सिग्मा एफ वाई, तो क्या हम इसी को देखो पहला एम ओ इक्वल टू आर इंटू डी ओके है, एम ओ इक्वल टू आर इंटू डी सही है, कोई दिक्कत ठीक है।
ऐसे अगर हम बात करें तो एम ओ इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा एफ वाई इंटू एक्स, और यही एम ओ सिग्मा एफ एक्स इंटू वाई भी हो, सिग्मा एफ एक्स इंटू वाई। तो आप इससे क्या बता सकते हैं कि जो रिजल्टेंट है वो एक्स एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है, अगर वाई कंपोनेंट से एक्स डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दे, और ये बता सकते हैं कि रिजल्टेंट वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है। पूरी बात समझ में आई, तो पढ़ते हैं इसको आगे। टेक द एल्जेब्रिक सम अप, आप रिजल्टेंट का मान निकाल चुके हैं, तो आगे क्या करना, टेक द एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट फोर्स अबाउट पॉइंट ओ, ओके अबाउट एल्जेब्रिक सम करें कंसीडरिंग प्रॉपर साइन, प्रॉपर साइन जैसे एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या मानते हैं पॉजिटिव, तो क्लॉकवाइज बाय डिफॉल्ट नेगेटिव होगा। ये आप प्रॉपर साइन लेते हुए ओके अबाउट क्या करें मोमेंट निकालें। अगला स्टेप अप्लाइंग बेरिग्नान थ्योरम, बेरिग्नान थ्योरम को अप्लाई करने पर सिग्मा एमओ इक्वल टू आर इंटू डी, और डी क्या है, वेल डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एंड रेफरेंस पॉइंट ओ, डी यही है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स का ओ से डिस्टेंस है, ठीक है ऐसे, या इसी को हम सिग्मा एमओ इक्वल टू सिग्मा एफ वाई इंटू एक्स भी लिख सकते, और ये x क्या है जहां पर वो दूरी है जहां पर आपका रिजल्टेंट फोर्स x एक्सिस को कट करेगा, वेयर x इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद x एक्सिस, क्लियर हुआ। ऐसे आप सिग्मा एफ एक्स इंटू वाई भी लिख सकते हैं, वेयर y क्या है, वेयर y इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O, पॉइंट ओ से डिस्टेंस किसके किसके, भाई देखो दूरी की बात होती है दो लोग को पकड़ के बता दो इनके और इनके बीच की, तो ये क्या है वेयर वाई इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड द इंटरसेक्शन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर विद वाई एक्सिस। तो जो आपका वाई था वो वाई क्या था, वाई था लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स का, और ये बिंदु क्या बोलोगे रिजल्टेंट फोर्स और वाई एक्सिस का कटान बिंदु, तो रिजल्टेंट फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और वाई एक्सिस के कटान बिंदु और ओ के बीच की दूरी ही तो वाई है, क्लियर है। तो ये आपका हो गया, आप क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रिप्लेस द सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ठीक है ढेर सारे सिस्टम ऑफ फोर्स, क्या इसमें आपका कपल भी है, सिस्टम ऑफ फोर्स एंड कपल, सिस्टम ऑफ फोर्स एंड कपल सोन इन द फिगर, फिगर में जो कि दिखाया गया बाय अ सिंगल फोर्स कपल सिस्टम एट ए, इस पूरे सिस्टम को ए पर केवल एक फोर्स और कपल से रिप्लेस करना, मतलब इन सबको हटा दो और यहां पर एक फोर्स लगा दो ए पर और एक कपल लगा दो, कितना लगा दो जो इसी के जैसा ही प्रभाव डालें, यही तो रिप्लेसमेंट का मतलब हुआ। तो अब देखिए इस केस में आपको क्या करना होता है, सारे रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेने होते हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए सिग्मा एफ एक्स निकालो और सिग्मा एफ वाई निकालो, कितना होगा भाई एक्स डायरेक्शन में, हम इधर की तरफ ही पॉजिटिव लेंगे ये ध्यान रखिए, तो एक्स डायरेक्शन में -75 पहले बल के पास गए हालचाल हुआ -75, दूसरा क्या होगा 100/5 इंटू फोर, अगर इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना हो तो ये 5 होगा, तो 100/5 का चौथा इधर की तरफ है माइनस से, ध्यान रखिएगा इतना हो गया, तो आप ये निकालेंगे तो 20 चौक 80 -155 आएगा, आप देख लीजिएगा 20 चौक 80 8 7 15 -155 आ गया, क्लियर हुआ। ऐसे सिग्मा एफ वाई के केस में हम अपवर्ड ही पॉजिटिव मानते, माइनस आने का मतलब कि उधर नहीं है इधर की तरफ है, तो अब बताइए इसमें -200 सिग्मा एफ वाई के केस में क्या होगा -200 +50 -200 +50 -200 +50 और उसका क्या होगा 100/5 इंटू 3, देखिए
हंड्रेड बाई फाइव को इसको पांच टू बोले तीन नीचे की तरफ चार इधर की तरफ, तो हंड्रेड बाई फाइव इंटू थ्री नीचे की तरफ और तो कोई है नहीं, तो आप इसको देखेंगे तो ये आएगा माइनस 210 न्यूटन। तो अभी आपने सिग्मा एफ एक्स निकाला और सिग्मा एफ वाई निकाला। अब ये निगेटिव आने का मतलब कि सिग्मा एफ एक्स है 155 न्यूटन इधर की तरफ, उधर नहीं, 155 न्यूटन किधर है, इधर की तरफ है। और आपका और ये जो है ये नीचे क्यों हमने दिखाया भाई, देख लीजिए को गुणा भाग, तो 20 23 60 माइनस 10 डिवाइड, तो ये 200। अब माइनस नहीं लिखेंगे भाई क्योंकि हम नीचे दिखा रहे हैं ना। तो आपका ए पर रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट 155 न्यूटन होगा इधर की तरफ बाई तरफ, और वाई कंपोनेंट 210 न्यूटन होगा नीचे की तरफ। पर ये मान पूछता है, तो अगर आपसे सिर्फ रिजल्टेंट की वैल्यू पूछे तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ रिजल्टेंट की वैल्यू अगर आपसे पूछे तो सिर्फ रिजल्टेंट की वैल्यू पूछने पर तो आपने एक्स कंपोनेंट तो निकाल लिया है, वाई कंपोनेंट भी आपने निकाल लिया है, सिर्फ आपको क्या करना है रिजल्टेंट का मान बता देना है। चलो भाई रिजल्टेंट फोर्स का मान हम बता दे रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स का जो मान होगा वो अंडर रूट 155 स्क्वायर 155 का स्क्वायर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस 210 का स्क्वायर और इतना न्यूटन। तो ये रिजल्टेंट का मान आपका पता चल जाएगा और इतना न्यूटन। अब किसी ने कहा किधर, तो यहाँ से मान लो कि थीटा एंगल पर ये आपका रिजल्टेंट है, इससे एक्स से थीटा, तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा 210 बटे 100। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, ये भी निगेटिव आया था ये भी निगेटिव आया था, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही तो जाएगा, दोनों निगेटिव आए थे, तो थीटा का मान भी आप बता सकते हैं कैलकुलेटर से। थोड़ा ध्यान रखिए, एसएससी का सब्जेक्टिव पेपर भी होने वाला है, काफ़ी लोगों ने प्री क्वालिफाई किया है, लगभग 30-40 लोगों ने फ़ोन किया है, कॉन्टैक्ट किया है, तो आप सब लोग इस सारे क्वेश्चंस को अपने ढंग से कैलकुलेटर से सॉल्व करिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू वाले इसको देख के कैलकुलेटर ना भी चलाएं, केवल स्टेप और प्रोसीजर को ही सीखे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव मेंस वाले जितने भी एसएससी मेंस वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो आप थीटा का मान भी निकालेंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स मतलब हमने क्या बहुत आसान स्टेप, सिग्मा एफ एक्स निकाला, सिग्मा एफ वाई निकाला और रिजल्टेंट फोर्स निकाला और हमने फिर थीटा निकाल दिया कि रिजल्टेंट फोर्स कैसे तिरछा होगा। अब क्वेश्चन नहीं, हमें आपका कपल भी आएगा, तो कपल को हमने रिप्लेस करना है। अब देखिए ये फोर्स सिस्टम तो हमारे पास हो गया, रिजल्टेंट ऐसे हो गया इससे थीटा एंगल पर, क्या इसका मान मालूम है, हाँ इसका मान मालूम है, हाँ सब कुछ मालूम हो चुका है आपने निकाला। लेकिन अगर रिजल्टेंट कपल एट ए पूछा जाए, और ध्यान रखिए हमारा अपना जो मानना है वो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान, तो अब इससे देखिए ए के अबाउट नेट कपल निकालें, नेट कपल मूवमेंट निकाल लीजिए, तो 200 तुम्हारा कोई नहीं, तुम हमारे पास से जा रहे हो, तुम क्या करोगे, कुछ नहीं। 80 के पास गए, इसकी बात खत्म हो गई, 80 के पास गए, ये कह रहा कि हम तो एंटी क्लॉकवाइज ही हैं, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज तो हमें पॉजिटिव ऐसे रख दो। 50 के पास गए, 50 भी किधर घुमाएगा, ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज, कितना 50 बल और दो इस दूरी, ये भी हो गया माइनस ऐसे। अब 75 के पास जाओ, 75 भैया तुम कुछ कर, अरे यार हम तो तुम्हारे पॉइंट से ही पास कर, तो लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास करें, तो कोई कपल मूवमेंट नहीं। अब बताइए 100 का इसका ऐसे, 100 को हम दो पार्टों में कर लें, तो 100 का हॉरिजॉन्टल जो है, 100 का जो हॉरिजॉन्टल है वो आप देखे होंगे 100/5 × 4 आया था 100/5 × 4 भाई 5 = 50 100 था, तो ये 4 = पूछा गया तो 80 होगा, और ये जो आया था ये 100/5 × 3 आया था। तो अब बताइए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो तो कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसका लाइन ऑफ एक्शन वही पास करेगा,
और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो करेगा, वो किधर घुमाएगा, किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज, किधर घुमाएगा, किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज। तो अब बताइए ये होगा 100/5 × 3, ये तो बल है, ये कितना है, बल है, और दूरी कितनी है, 4, कितना आएगा न्यूटन मीटर। तो यहाँ से अगर हम कपल ए पूछें तो 5 × 10 180 आ गया ये, और ये कितना हो गया 240 न्यूटन मीटर। अरे भाई 20 × 3 = 60, 6 × 4 = 40। तो अब यहाँ से देखेंगे -60 न्यूटन मीटर आए। अच्छा ये -60 न्यूटन मीटर का सिर्फ एक ही मतलब है कि जो रिजल्टेंट कपल होगा वो एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा सिर्फ। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट कपल आपका 60 न्यूटन मीटर होगा, और वो भी किधर होगा, क्लॉकवाइज होगा। पूरी बात समझ गए सब लोग। तो रिजल्टेंट फोर्स एट ए भी निकाल लिया, कितने एंगल पर होगा वो भी बता दिया, और रिजल्टेंट कपल भी आपको हमने बताया। अगला क्वेश्चन करते हैं, शायद आपको सारे क्वेश्चंस मतलब सारे स्टेप्स समझ में आ गए हैं, अगर आ गए तो आप सारा नोट कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। वीडियो को थोड़ा रोक के नोट कर लिया करिए भाई, क्या दिक्कत है इसमें, पढ़ना तो आपको ही है ना, मेहनत तो आप ही को करनी, और भी सब्जेक्ट पढ़ते रहिए, ठीक है। आइए डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, तो इसलिए हम करा रहे हैं, ठीक है। डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बेल क्रैंक शोन इन द फिगर। तो यह एक बेल क्रैंक का ऐसे लीवर है, और इस पर रिजल्टेंट फोर्स आपको निकाल। अब देखिए जब रिजल्टेंट फोर्स बोल रहा है ना भैया, तो हमें उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है, लाइन ऑफ एक्शन भी बताना है। तो अब पहला स्टेप क्या है, सिग्मा एफ एक्स निकालू, मान वही कि हम इधर की तरफ जिद है कि हम उधर की तरफ पॉजिटिव, ये इसकी अपनी जिद है, ठीक है। पहले बल के पास का हो का हाल है, तो इसने कहा अरे हमारा कॉस कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में होगा, तो क्या हो गया 220 cos 60, क्यों किधर की तरफ, तू ऐसे हो ना तो इसका इधर की तरफ ही तो होगा, और आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे हो, तो चलो अभी वर्टिकल तो कर नहीं रहे इससे, अरे नहीं हमारा कोई मान ही नहीं है हॉरिजॉन्टल, और ये कहेगा हमारा तो पूरा पूरा मान हॉरिजॉन्टल है बसरते अपोजिट है। तो -310 क्या गया न्यूटन, कॉस 60 का मान आप शायद जानते होंगे आधा होता है 110 आ गया, तो -200 आ जाएगा, -200 न्यूटन। माइनस आने का क्या मतलब है कि आपका सिग्मा एफ एक्स उधर के बजाय इधर है, दाहिने साइड के बजाय बाएं साइड, जो आपने मानना है निकाल लिए सब लोग। अब ऐसे सिग्मा एफ वाई अगर पूछा जाए, तो सिग्मा एफ वाई इससे पूछो का हो का हल, तो अब हमारी भी फिर वही जिद है कि अपवर्ड को हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे, अपवर्ड को क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। तो यहां से आप देखें तो इसका आएगा -220 sin 60, कॉस वाला हो गया हॉरिजॉन्टल और साइन हो गया वर्टिकल नीचे, और -4 5 जो इससे मिले, अब इससे सबसे मिल लेना ना, तो ये इससे भी मिल ले, चलो तुमसे भी बात हो गई, और ये वाला बल, अच्छा ये आपका कोई बल नहीं है, यही रिजल्टेंट है, इसका मान दिया होगा, चलो इसको अभी हम हटा के कि यहाँ पे कोई मान नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि दिया नहीं है तो हम नहीं मान रहे, कोई मान नहीं दिया वो फालतू बना, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपका हो गया इस, ये बल नहीं है यहाँ पे, ये मानते हुए तब क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका कॉस कंपोनेंट उधर, ठीक है, साइन इससे मिल चुके, इससे मिल चुके, उसका कोई कंपोनेंट आएगा नहीं, ये भी न्यूटन आएगा। निगेटिव होने का ही मतलब है कि सिग्मा एफ वाई आपका जो है निगेटिव आया, ये कह रहा है कि हम नीचे की तरफ हैं। अब बताइए कि रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट, जो आपका ये टेढ़ा सा आर्म है, इस पर रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट जो है वो निगेटिव है, और वाई कंपोनेंट भी निगेटिव है, तो जहां भी ये लग रहा होगा, जहां भी लग रहा होगा, ऐसे तिरछा लग रहा होगा, और जिसका वाई और जिसका एक्स दोनों कंपोनेंट क्या होगा, निगेटिव होगा, जिसका वाई और एक्स कंपोनेंट दोनों क्या होगा, निगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है ना, तो एक्स कंपोनेंट भी निगेटिव और वाई कंपोनेंट भी निगेटिव, ऐसे कोई रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है।
अब क्वेश्चन ये है कि मान बता दिए कितना डायरेक्शन भाई, ये कितना ऐसे रिजल्टेंट अगर होगा ये वही, तो ये कितना झुका होगा थीटा से, तो कितना झुका होगा, तो अगर ये थीटा देखोगे तो ये टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा एफ वाई अपान सिग्मा एफ एक्स, दोनों निगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ये ध्यान रखिएगा ठीक है। तो दोनों निगेटिव होने का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में सिग्मा एफ वाई सिग्मा एफ एक्स आप निकाल लिए और आसानी से हो गया। लेकिन अब इसकी लोकेशन की बात आती, ये कर लिए सब लोग, बहुत ध्यान समझ में आ गया ठीक है। अब इस पर आपने देखा कि यहां माल कहीं भी रिजल्टेंट ऐसे तिरछा लगा और जिसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों आपको मालूम है। अब ओ के अबाउट क्या सारे बलों का मूवमेंट आप बता सकते हो, अब उसके लोकेशन के लिए ओ के अबाउट मूवमेंट, इसका कॉस कंपोनेंट तो वहीं जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे तो क्या आएगा 220 साइन 60 इंटू 0.3। अरे भाई क्या है, ये तो बल है ना, 220 साइन 60 ये बल है, और ये दूरी कितनी है 300 mm, 300 मतलब 0.3 mm ठीक है। ऐसे प्लस किधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ओ के अबाउट, ऐसे आएगा 450 गुड़े 0.15, ये भी हो गया ठीक है। ऐसे अगर इस, ये भी बल हो गया, अब इसका पूछें इसका, तो इसका भी क्या आएगा प्लस 310 इंटू 0.3 साइन 60, ये कैसे आया 310 ये दूरी, अब ओ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 310 ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इसका कॉस की साइन, साइन तो 0.3 साइन 60, ये 150 150 300 mm 0.3 मीटर हो जाएगा, तो इतना न्यूटन मीटर, ये मान आप निकालेंगे इतना न्यूटन मीटर, और आपने रिजल्टेंट यहाँ मान रखा, तो अब ये दूरी, ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी आप बता सकते हैं सर, ये दूरी मान लीजिए वाई, तो ये दूरी क्या होगी सिग्मा एफ एक्स इंटू वाई, सिग्मा एफ एक्स इंटू वाई, बात समझ में आ रहा है, और ये सिग्मा एफ एक्स इंटू वाई, यहाँ ये वाई एक्सिस को जहाँ पर कट करेगा, ये ऐसे लाइन ऑफ एक्शन पर आप, सॉरी ये पूरी दूरी नहीं, यहाँ पे लाइन, यहाँ अगर पॉइंट पर मान रहे तो यहाँ लाइन ऑफ एक्शन को कट कर रहा है, तो ये वाई होगा आपकी, क्या होगी ये दूरी वाई, वाई डायरेक्शन को, इस वाई डायरेक्शन को जहाँ पर ये कट कर रहा है, तो ऐसे यहीं पे तो कट कर रहा है, ये लाइन है ऐसे यहाँ कट कर रहा है, यहाँ क्या है ओ है, तो अब ये वाई है, ये दूरी क्या है वाई है, तो सिग्मा एफ एक्स इंटू वाई जो होगा वही एम ओ के बराबर कर दीजिएगा और आपको वाई पता चल जाएगा। वाई पता चलने से आप क्लियरली बता सकते हैं कि इससे कितने वर्टिकल डिस्टेंस पर ये यहाँ पर कट कर रहा होगा, ये डिस्टेंस वाई होगा, ध्यान रखिएगा ये जितना हमने रेड किया है, जितना हमने क्या किया है रेड किया है, यही डिस्टेंस वाई होगा। पूरी बात समझ में आई सब लोग को, तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं ठीक है। एन, अब वो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन होंगे, बहुत छोटे होंगे, एक एक सेकेंड के। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, मास एम इज मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, विद कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगी जीरो। अरे भैया तुम बदल ही नहीं रहे हो तो चेंज की बात क्या करें, द फोर्स एक्टिंग, तो अब बताइए अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है कोई भी मास है तो उस केस में उस पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा नेट फोर्स। अगला अभी मतलब चल रहा है तो भी, अरे भाई कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, वेलोसिटी भी चेंज होता अगर बल लग रहा होता तो, और अगर आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं बल लग ही रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, तो चेंज हो नहीं रहा है, ये आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कहते हैं इसको। फोर्सेस ऑन अ रॉड, तो आपको हम बता चुके हैं फोर्सेस ऑन अ रॉड रेस्टिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वार, फोर्स सिस्टम के केस में एक रॉड है और ये रेस्ट कर रहा है किसी एक वर्टिकल वॉल पर, भाई इसका रॉड का एमजी ऐसे नीचे होगा, रॉड का एमजी ऐसे नीचे होगा, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का कुछ रिजल्टेंट आएगा और यहाँ पर भी नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का कुछ रिजल्टेंट आएगा, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट आएगा, ऐसे एक्चुअल अलग अलग बनाएंगे तो एम जी ऐसे होगा, इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ फ्रिक्शन,
ये नॉर्मल रिएक्शन, और इसमें नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ऊपर की तरफ, और इसमें फ्रिक्शन इधर की तरफ। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ऐसे एक ही पॉइंट से होकर जाएगा। ये किसका एग्जांपल होगा? रॉड है ये। ये क्या होगा? कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो कोप्लेनर तो सारे होंगे ही होंगे, पर क्या होगा? कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। अगर यही सीढ़ी होती और कोई आदमी यहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता तो उसका एमजी कहीं अलग होता, उसका एमजी डैश अलग होता। पहले तो समझ गए ना, रॉड को किसी वाल के अगेंस्ट अगर रेस्ट किया जाए तो कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। अगर उस लैडर पर कोई चढ़ गया एक्सेप्ट मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट पर हो तो भी कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम ही होगा, लेकिन एक्सेप्ट मिड पॉइंट अगर है, मिड पॉइंट के अलावा किसी बिंदु पर आप खड़े हैं तो वो जनरल कोप्लेनर फोर्स सिस्टम होगा। क्या होगा? जनरल कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो खैर अभी ये आप क्लियर कर लिए होंगे। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट एंगल थीटा, अब यहाँ पे क्यू नहीं, एक्टिंग एट एंगल थीटा इज 2m प्लस 1 अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है भाई। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, तो हमें दो फोर्स है तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज होता है, उसी से कारक करिए, बहुत आसान होता है, पैरेललोग्राम। तो रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, तो आप यहां देखेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। तो अगर दो फोर्सेस पी और क्यू थीटा एंगल पर रह गए तो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, और आर का मान यहां पर क्या है? टू एम प्लस वन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बात समझ में आ रही? तो रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स सिस्टम पी एंड क्यू एक्टिंग एट एंगल थीटा इज इक्वल टू दिस। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आर का मान रखने पर आएगा 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। कोई बात नहीं, जो दिया था वो उसी से बस एकदम लिख दिए, कुछ किया नहीं है, कुछ भी नहीं किया। तो कोई भी दो बल थे उनका जब थीटा एंगल पर लग रहे थे रिजल्टेंट आर था, और ये मान हमने सिंपल रख दिया। अब आगे भी पढ़ते हैं। व्हेन फोर्सेस एक्ट एन एंगल 90 माइनस थीटा, अब वही जब बल, वही बल P और Q ही जो बल है, वही बल जब 90 माइनस थीटा पर लगने लगे रिजल्टेंट बदल गया। अरे भाई 30 मान लो थीटा 30 था तो अब 60 पर लगने लगे तो बदल तो जाएगा ना, बदल तो जाएगा ही, और बदल गया, ये हो गया। तो अब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ये कुल मिला के हमने क्या किया? आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा नहीं होगा, क्योंकि अब एंगल नहीं, थीटा वह होता है दोनों के बीच का कोण होता है। तो थीटा अब जो है वो 90 माइनस थीटा है, क्योंकि अब कोण बदल चुका है। तो अब यहां से आप देख सकते हैं कि 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पे आएगा पी स्क्वायर। कुल मिला के हमने वही फिर किया, आर डैश स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये कर लिए, और यहाँ से आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस 90 माइनस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। ये दो चीज़ें हैं आपसे, ये आपके पास दो चीज़ें निकल के आई दोनों अलग अलग कंडीशन से। आगे द एंगल थीटा इज, थीटा पूछा गया भाई, इसमें तो P नहीं मालूम, M नहीं मालूम, Q नहीं मालूम, कुछ तो जुगाड़ भिड़ाते हैं। अगर हम इसको इधर लाएं तो देखिए cos और sin सारे आंसर साथ देख रहे हैं, टाइम में दिया हो, थोड़ा एक दो मिनट ऐसे क्वेश्चन रुक जाएं, कोई जल्दबाजी नहीं है, बाद में रट ले लीजिएगा भाई। तो आप देखें सर, tan में आंसर है तो sin और cos मिल जाए तो भाग करके मामला सही हो जाए। तो यहाँ से अगर हम cos थीटा का मान देखें तो यहाँ से cos थीटा का मान आएगा 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, और ब्रैकेट के बाहर होगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और यहाँ नीचे होगा 2pq। ध्यान से देखिए,
बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो यहां अगर इसको लेके आओ इधर बगल पूरा एक, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और बचेगा 2m+1 का होली स्क्वायर -1 और नीचे 2pq। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर। ऐसे इसमें अगर हम इससे सॉल्व करें, अगर हम इससे सॉल्व करें तो इससे आपका साइन काम, अब इसमें भी इसको इधर ले आएंगे तो यहां से आएगा साइन थीटा इक्वल टू आएगा 2m-1 का होली स्क्वायर -1 और यहां पर फिर से इसको कर देते हैं क्लियर थोड़ा। इसी से आप देखेंगे तो साइन थीटा का मान जो आएगा वो आएगा 2m-1 का होली स्क्वायर -1 और यहां ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और अपान 2pq। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यहां से इधर जाएगा तो माइनस के साथ और आप फिर 2pq नीचे भाग हो जाएगा। अब दोनों को अगर आप देख लीजिए, फिर से नोट कर लीजिए आराम से, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा और ये भी है आर स्क्वायर मतलब आर डैश हो गया क्योंकि एंगल बदल गया, तो आर डैश स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 90 माइनस थीटा कर दिया और 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। इसको इधर पक्षांतर किए तो ये -1 होगा क्योंकि ये कॉमन लेंगे और अपान 2pq आ गया। क्या साइन का मान मालूम है? हाँ बिल्कुल। क्या कॉस का मान मालूम है? हाँ बिल्कुल। अगर दोनों को भाग कर दे तो टेन पता चल जाएगा, तो हम दोनों को क्या कर दे रहे हैं? भाग कर दे रहे हैं। तो अब यहां से अगर आप करें तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा, अब देखिएगा बहुत ध्यान से कि साइन थीटा आया कितना था, देख लीजिएगा 2m-1 का होली स्क्वायर -1 ब्रेकेट में और यहां आया था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और सबके नीचे था 2pq। ऐसे इसमें अगर आप देखें तो यह आया था 2m+1 का होली स्क्वायर -1 और यहां था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपान 2pq। ऐसे तो आया था। कॉस थीटा का मान आपको पता ही है, साइन थीटा का मान पता है, तो आप इसको सॉल्व कर लिए होंगे आसानी से। अब इसको देखिए और भी सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया टेन थीटा। अब पी क्यू कट गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कट गया, ये बचेगा यहाँ पर, इसको स्क्वायर कर देंगे तो 4m² - 4m, अरे भाई इसको करेंगे 4m² + 1 - 4m और -1 कट जाएगा प्लस 1 के साथ, ऐसे यहाँ आएगा 4m² + 4m। अब यहाँ पे अगर हम इसको हटाएं तो यहाँ से आएगा m-1 / m+1। ध्यान रखें 4m कॉमन ले लेंगे कट जाएगा, 4m ऊपर नीचे कट जाएगा, तो कुल मिला के थीटा इनवर्स जो आया थीटा इक्वल टू जो आया वो कितना आया? थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स m-1 / m+1। कुछ नहीं करना था, दो लाइंस में साइन और कॉस का मान निकाल के भाग कर देना चाहिए। अब इसको रट लीजिएगा, एक क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिए कुछ नहीं, साइन और कॉस का मान निकाले और भाग कर दिए, आंसर मिल गया। तो क्वांटिटी मतलब अब भाई क्वालिटी और क्वांटिटी दो बात हो, क्वालिटी आपकी गुणात्मकता को बताता है और क्वांटिटी मात्रात्मकता को बताता है। अगर कोई 2, 3, 4, 5 ऐसे तो ये क्वांटिटी को बता रहा है, मात्रा को बता रहा है, और अगर कोई स्पेसिफिक किसी क्वालिटी को, तो ध्यान रखिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है तो न्यूटन का प्रथम नियम है, वो बल की परिभाषा को बताता है कि बल एक कारण है जो किसी के अवस्था परिवर्तन की कोशिश करता है या कर देता है, तो वो बल ही है। तो कुल मिला के अगर कोई पूछे कि बल की परिभाषा किस नियम से मिलता है, तो न्यूटन के प्रथम नियम से। क्वालिटेटिव डिफिनीशन, उसकी गुणात्मक परिभाषा जो आती है वो प्रथम से आती है, लेकिन उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस की वैल्यू क्या होगा, क्वांटिटेटिव मतलब वैल्यू क्या होगा, ये सेकेंड लॉ से होता है।
तो बल का मापन सेकेंड लॉ से मिलता है, बल का फोर्स का क्वांटिटेटिव क्वांटिटी वाली क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो बताता है वो आपका सेकेंड लॉ, और बल का परिभाषित करना, बल को क्वालिटेटिवली बताना, गुणात्मक रूप से बताना, ये आपका फर्स्ट लॉ, ये ध्यान रखिए, ठीक है, क्लियर रहेगा ना। तो आगे द क्वांटिटी मतलब मात्रा विच इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, और इसका अगर रेट ऑफ चेंज पूछ लिया जाए तो इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, मास बाहर निकला क्योंकि कॉन्स्टेंट मास जनरली होता है, और ये तो ये क्या आएगा एफ इंटू, ये यही तो फोर्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो क्या है फोर्स। अगर सिर्फ लिखा होगे चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट नहीं, चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या है, एम वन बी वन माइनस सॉरी चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है, एम टू बी टू माइनस एम वन बी, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आपका एफ डी टी आएगा, और यही मान आपका जो होता है वो इम्पल्स होता है, इम्पल्स सिर्फ चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम, और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स, और ध्यान रखिए मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम, अब मोमेंटम है क्या, एम बी, और मोमेंट का मतलब आर से गुणा, किसी चीज का मोमेंट से मतलब क्या, आर से गुणा, तो यही आपका होता है एंगुलर मोमेंटम, यही क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज अप्लाइड फोर्स, चेंज इन मोमेंटम इंपल्स, और रेट ऑफ चेंज सॉरी मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या होगा, मोमेंट ऑफ मोमेंटम होगा एंगुलर मोमेंटम, इसको बहुत ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। विच लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन, मतलब वही न्यूटन के ही तीनों नियम है, वही लॉ ऑफ मोशन, विच लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजर ऑफ फोर्स, मेजर मतलब क्या है मापन, तो कौन सा, न्यूटन सेकेंड लॉ, और विच लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डिफिनीशन आ जाए तो डिफिनीशन क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ध्यान रखिए अ फोर्स व्हाइल एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी एक बॉडी पर अगर बल लग रहा है तो क्या कर सकता है, मे चेंज इट्स मोशन, उसके मोशन को बदल सकता है, बिल्कुल, बैलेंस द फोर्स ऑलरेडी एक्टिंग ऑन इट, उस पर ढेर सारे बल पहले से लग रहे उसको बैलेंस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, गिव राइज टू द इंटरनल स्ट्रेसेस, तो अगर आपका मतलब मोशन के लिए फ्री नहीं है तो इंटरनल स्ट्रेस भी बढ़ा सकता है, तो ऑल ऑफ दिस फोर्स आपके सारी चीजों को कर सकता है, बहुत टाइम नहीं लगे, छोटे छोटे क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ अ फोर्स, मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज द टर्निंग इफेक्ट, ठीक है भाई, टर्निंग मतलब रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑन द बॉडी ऑन व्हिच इट एक्ट्स, सही है, तो मोमेंट ऑफ अ फोर्स इसका घुमाऊ का प्रभाव है जो कि एक बल द्वारा इस किसी एक बॉडी पर दिखाई देता, आगे इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड परपेंडिकुलर, पर दो बार नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, तो ये भी सही है। आगे इज इक्वल टू द ट्वाइस, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है ये, इज इक्वल टू द, हम आपको थ्योरी लेक्चर में सारी बातें करा चुके हैं, ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस इज द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फोर्स, तो ट्वाइस ऑफ द ऐसी सिचुएशन, ये आपका एक बल है, ये आपका क्या है बल है, और किसी एक पॉइंट के आउट आपको निकालना है, तो ये बल और ये हाइट, यही तो आपका मूवमेंट होगा एफ इंटू एच, लेकिन एरिया का ये क्या होगा दुगुना, लेकिन जब एरिया कौन सा, जो आपके बल से बना हो और उसके बीच की दूरी हो, तो इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस इज द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फोर्स, जिसका बेस क्या है, जिसका बेस है लाइन रिप्रेजेंटिंग द फोर्स, ठीक है, इसका बेस क्या है लाइन रिप्रेजेंटिंग द फोर्स, ये हो गया,
एंड हुज वर्टेक्स इज द पॉइंट, जिसका शीर्ष क्या है, इज द पॉइंट अबाउट हुज द मोमेंट इज टेकन। तो इसी पॉइंट के अबाउट ही तो इसका मोमेंट ये होगा, तो ये भी सही है। तो इसका यहाँ पे कुल मिला के क्या है, डी पार्ट। सही तो आपके तीनों हैं, लेकिन आंसर लास्ट वाला ही सही है, क्योंकि वही बता रहा है कि सब सही। अगला, कि थ्री को प्लेनर फोर्सेस, तीन को प्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, एक्टिंग ऑन अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू। तो ये सही, यही तो लामी थ्योरम है भाई। अगर तीन बल हैं और वो इक्विलिब्रियम में हैं, तो ये अल्फा मान लो, ये बीटा मान लो, और ये क्या है गामा मान लो, ये एफ, ये एफ वन, ये एफ टू, और ये एफ थ्री। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, एफ वन अपान साइन अल्फा, एफ वन अपान अदर टू के बीच का साइन, और यहाँ से एफ टू अपान साइन बीटा इक्वल टू एफ थ्री अपान साइन गामा। तो वही तो बोल रहा है, ये थ्री को प्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, मतलब थ्री को प्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट, मतलब कॉन्करेंट फोर्सेस, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू। तो सही है, चलो हो गया। द मूवमेंट ऑफ द फोर्स पी अबाउट क्यू, क्यू के अबाउट यहाँ पे पूछा गया, ये क्यू है कोई मत, क्यू के अबाउट मूवमेंट क्या होगा। तो आप क्या कहोगे, बल और इंटू क्यू सी, सॉरी ओ इसको रखिए, तो मूवमेंट अबाउट ओ, तो मूवमेंट अबाउट ओ क्या होगा, पी इंटू ओ सी, पी इंटू ओ सी, पी इंटू ओ सी। तो इक्विलिब्रियम हम सब लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इक्विलिब्रियम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या, ये बहुत आते रहते हैं कि कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन बताइए। तो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो। तो अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, अगला लेक्चर और ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप प्ले लिस्ट से जाके सॉर्टिंग करके अपने हिसाब से सब्जेक्ट वाइज सारी थेरीज सारे न्यूमेरिकल करते रहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सेशन। और आप ध्यान रखिए, तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, और भी सब्जेक्ट पढ़ते रहिए, प्रोडक्शन भी पढ़ें, हाइड्रोलिक्स भी पढ़ें, थर्मो के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं पर बहुत आते हैं, तो पढ़ते रहें। एनालिसिस के लिए स्ट्रेटजी का एक हमने अलग वीडियो बनाया है, नहीं देखा तो उसको एक बार फिर से देख लीजिए। हमने उस स्ट्रेटजी के एनालिसिस का टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया है पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप उस एनालिसिस को पीडीएफ फॉर्मेट में देख भी सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का वही नाम है, गिरजेश तिवारी लर्निंग पॉइंट, और कुछ नहीं। आपको हर जगह ईमेल आईडी भी गिरजेश तिवारी लर्निंग पॉइंट मिलेगा, आपको फेसबुक पेज भी गिरजेश तिवारी लर्निंग पॉइंट मिलेगा, तो सब कुछ एक ही नाम है। आप हर जगह वही इंटर करिए जिस प्लेटफॉर्म पर आप हो। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप सारे प्लेटफॉर्म यूज करें, आप फेसबुक यूज कर रहे हैं ठीक है, फेसबुक ही यूज करें, व्हाट्सएप पे हमारा नंबर है ही वही 9919 96 29 29 ही। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और चीज़ों को लोगों में फैलाते भी रहें, शेयर भी करते रहें, ठीक है।